हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ इंग्लिश की जो बुक है बिहाइव, इसका फर्स्ट लेसन हम इसके पहले वीडियो में पहले समझ चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की उम्र क्या थी? मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी की उम्र थी 11 वर्ष और टॉमी की उम्र क्या है, मतलब इसमें प्रेजेंट में पूछा है मार्गी की उम्र क्या है। मार्गी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या लिखा मार्गी ने? मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। थर्ड क्वेश्चन है, Had मार्गी ever seen a book before? क्या मार्गी ने इसके पहले कोई बुक देख रखी थी? No, मार्गी had never seen a book before, क्योंकि उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था, उसने ये बुक पहले कभी नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, What things about the book did she find strange? कौन सी बात थी जो मार्गी को बहुत ही अजीब लग रही थी बुक के बारे में? मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येल्लो एंड रिंकल्ड पेजेस। मार्गी ने देखा कि ये जो बुक थी इसके पेजेस पीले थे, सिकुड़नदार थे, और सबसे बड़ी बात क्या थी, वर्ड्स इन दैट बुक वर स्टील एंड डिडंट मूव द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जिस तरह से स्क्रीन में वर्ड्स मूव होते हैं उस तरह से उसमें मूव नहीं हो रहे थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप क्या सोचते हैं टेली बुक क्या है? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेली बुक। जिस बुक को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले किया जा सकता है, उस बुक को क्या कहते हैं? टेली बुक। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। प्रश्न पूछा है कि मार्गी का स्कूल कहाँ था, क्या उसके कोई क्लासमेट थे? मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ। मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके खुद के घर में, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और वो भी कहाँ? उसके बेडरूम के राइट बगल में। नो, अब उसका ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसके क्या कोई क्लासमेट थे? नो, शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट। नहीं, उसके कोई क्लासमेट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। इन सब्जेक्ट का जिक्र किया ही था उसमें कि मार्गी टॉमी का ज्योग्राफी सेक्टर पिछड़ रहा था, टॉमी के बारे में बताया था कि एक बार उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था, और लास्ट में जब वो पढ़ाई कर रही होती है तब भी वो बताते कि अरिथमेटिक जो सेक्शन है वो स्क्रीन पर आ रहा है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अरिथमेटिक की हमको जानकारी है कि ये सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े थे। अब इसके बाद ये 7 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं कि आपको, आपने पढ़ा है तो ये देख के बताइए कि ये किसने कहा, क्या कहा। पहला वाला है क्वेश्चन, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ऐसा किसने कहा था? हु सेज दिस वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द किसने कहे थे? टॉमी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? कहा था ना, टॉमी ने। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज इट रिफर टू। अब उसने कहा था कि हम इसे नहीं फेंकेंगे, तो इट किसके लिए कहा था? इट रिफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन। किसके लिए कहा था? टेलीविजन स्क्रीन के बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। अब स्पीकर ने किस चीज की तुलना की थी? टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन विद द प्रिंटेड बुक ऑफ अर्लियर टाइम। दोनों किस चीज की तुलना कर रहे थे? एक तो प्रिंटेड बुक की, और एक पहले जो अपनी प्रिंटेड बुक रहती थी वो, और अब जो बुक्स टेलीविजन पे हैं उनकी तुलना कर रहे थे। He thought that after reading such books one would have to throw them away. However, he would never throw away his टेली बुक्स। उसको लग रहा था कि ये जो पुरानी किताबें होती थी ये तो पढ़ के लोग फेंक सकते थे, और वो ये जो टेली बुक्स हैं इनको ये नहीं फेंक सकता था। ये
एक ही सेंटेंस के बारे में तीन प्रश्न थे। अब अगला है, एक सेंटेंस दिया है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके टीचर होते थे लेकिन उनके रेगुलर टीचर नहीं होते थे बल्कि मनुष्य होते थे। अब पहला क्वेश्चन है, हु डज दे रिफर टू। यहाँ पर दे किसके लिए कहा गया है? दे रिफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। ये स्टोरी का जब का सेटअप है उससे सैकड़ों साल पहले जो पुराने प्रकार के स्कूल रहते थे उसमें जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन विद्यार्थियों के लिए दे कहा गया है। वॉट डज रेगुलर मीन हियर? अब यहाँ पर रेगुलर शब्द का यूज किया गया है कि वो रेगुलर टीचर नहीं थे, तो रेगुलर का क्या मतलब है? आंसर है, हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। यहाँ पर रेगुलर टीचर से मतलब है मैकेनिकल टीचर जो कि टॉमी और मार्गी के थे, मैकेनिकल टीचर। वॉट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? अब इसमें क्या विरोधाभास बताया है? द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वॉज अ ह्यूमन बींग। तो इनकी मैकेनिकल टीचर के किससे के बारे में बताया गया है, किससे तुलना की गई है? वो जो टीचर पहले पढ़ाते थे जो कि एक मनुष्य होते थे। अब हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखे, फिर उसके बाद में आपने कुछ सेंटेंस देखे कि किसने किसके बारे में क्या कहा। अब कुछ थोड़े लॉन्ग आंसर्स हैं, शॉर्ट पैराग्राफ में जो लिखना है 30 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है? मार्गी के टीचर किस तरीके के थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विद लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्गी और टॉमी के कैसे टीचर थे? मैकेनिकल टीचर थे, जो बड़ी सी काली स्क्रीन थी और जिस पर सारे लेसन और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दिस मैकेनिकल टीचर हैड अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और ये जो मैकेनिकल टीचर होते थे इनके एक स्लॉट भी होता था जहाँ पर स्टूडेंट को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता था। दे डिडंट हैव टू अ लिविंग ह्यूमन बींग और एज अ टीचर हु वुड टीच द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। उनके जो टीचर थे वो मनुष्य नहीं होते थे जो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो व्हाई डिड मार्गी, मतलब क्यों मार्गी की मदर ने उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा? मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशियंटली। मार्गी हैड बीन गिविंग मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाय द टीचर बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। सो मार्गीज मदर वॉन्टेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट। मार्गी ने काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो कई बार के टेस्ट देने के बाद में भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मार्गी की मदर ये जानना चाहती थी कि इसके पीछे क्या वजह है। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया? मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट ए हायर लेवल। मार्गी के लेवल से हायर लेवल का एडजस्ट कर दिया था इसलिए वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर शोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। फिर उस मार्गी की हेल्प करने के लिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसका ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो स्लो डाउन कर दिया। मार्गी 11 ईयर्स की थी तो उससे भी कम उसने लगभग 10 ईयर्स के लेवल का कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। अब मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उनने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड टू ए हायर लेवल। क्योंकि पहले ही बता दिया, क्योंकि वो हायर लेवल के लिए एडजस्ट हो गया था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन और 10 ईयर्स लेवल तक का उन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, क्या हुआ था एक बार टॉमी के टीचर को? वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। एक बार
टॉमी के टीचर एक महीने के लिए चले गए थे क्योंकि उनका हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो हाय. क्या मार्गी के स्कूल का, क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी, पर तब भी क्या है कि उसका निश्चित समय था, नियमित समय था, और यदि था तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर्स बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर. हाँ, मार्गी निश्चित समय पर पढ़ती थी, निश्चित दिन निश्चित समय पर पढ़ती थी स्कूल में, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो इस बात पर बिलीव करती थी कि यदि बच्चे, छोटे बच्चे यदि एक निश्चित समय पर पढ़ते हैं, निश्चित घंटे पर पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं. सो हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे. तो सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी दिनों में बिल्कुल निश्चित समय पर, उसी समय पर वो क्लास उनकी लगती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने स्कूल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया? टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. दे हैड अ टीचर हु वाज अ मैन. दे ऑल स्टडीड टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग मैन. तो टॉमी ने क्या बताया कि पुराने जो स्कूल थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे, उनके एक टीचर होते थे जो कि एक मनुष्य होते थे, और वहाँ पर वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज इट डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब पुराने टीचर्स के बारे में उन्होंने क्या बताया? टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज लिविंग ह्यूमन बींग हु डिडंट लिव इन द हाउस. टॉमी ने बताया कि पहले के जो टीचर थे वो मनुष्य होते थे और वो घर में नहीं रहते थे, मतलब घर में आकर नहीं पढ़ाते थे. इंस्टीड दे टॉट द स्टूडेंट इन ए स्पेशल बिल्डिंग, बल्कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाकर पढ़ाते थे. दे टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क. वो समूह में पढ़ाते थे उनको और उनको होमवर्क देते थे. अब इससे भी बड़े कुछ क्वेश्चंस पूछे, पहले वेरी शॉर्ट थे, अब ये लॉन्ग आंसर्स आप देखेंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? मेन फीचर्स क्या है मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम्स का जो मार्गी और टॉमी का इस स्टोरी में था? मार्गी एंड टॉमी हैड, इसका आंसर देखिए, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे. दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आज बार बार यही बताया है कि उनकी लॉन्ग स्क्रीन होती थी, उस पर सारे क्वेश्चंस वो बताते थे. दिस टीचर्स वर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एज एंड पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न. हर बच्चे की के हिसाब से वो एडजस्ट होते थे. फिर दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट दियर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. एक स्लॉट भी होता था इस मैकेनिकल टीचर का जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना टेस्ट पेपर और होमवर्क रखते थे. दे हैड टू राइट दियर आंसर्स इन अ पंच कोड एंड अ मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इनिशियली. दियर स्कूल्स वर इन दियर होम इट्सेल्फ. तो वो पंच कोड में अपना होमवर्क जमा कर देते थे और उनका जो मैकेनिकल टीचर है वो उनका होमवर्क चेक कर देते थे, और उनका जो स्कूल होता था वो उनकी खुद के घर में होता था. दे डिडंट हैव एनी क्लासमेट. उनके कोई क्लासमेट्स नहीं होते थे क्योंकि अपने खुद के घर में एक ही रूम में वो जाके पढ़ लेते थे, कोई क्लासमेट नहीं थे. दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्नड ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. दे लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक. ये सारी बातें बताई थी कि वो निश्चित समय पर पढ़ते थे और डेली पढ़ते थे सैटरडे संडे को छोड़कर. इसके साथ ही वो क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे वो भी बताया कि ज्योग्राफी हिस्ट्री और अरिथमेटिक पढ़ते थे. इसमें एक और बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मार्गी हैट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? टाइटल ये जैसा द फन दे हैड, वो यही सोचती कि उनको कितना मज़ा था. तो सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी और वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने स्कूल थे उनमें ज़्यादा मज़ा था. मार्गी हैटेड स्कूल बिकॉट इज वॉट नॉट फन. मार्गी स्कूल से नफरत करती थी, पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो इतना मज़ेदार नहीं था. शी हैड अ मैकेनिकल टीचर हु यूज टू टीच हर एवरी डे एट अ फिक्स टाइम इन हर हाउस. उसके टीचर
ह्यूमन टीचर तो थे नहीं, मैकेनिकल टीचर थे और जो उसको हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाते थे. शी हेटेड द पार्ट व्हेन शी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर. उस मैकेनिकल टीचर को होमवर्क और टेस्ट पेपर देना पड़ता था, इसको भी वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. शी डिडेंट लाइक द फैक्ट दैट शी हैड टू राइट हर आंसर्स इन अ पंच कोड. उसको ये भी पसंद नहीं आता था कि उसको अपने आंसर्स पंच कोड में लिखने पड़ते थे. हर डिसलाइकिंग फॉर द मैकेनिकल टीचर वॉज इंक्रीज्ड इवन मोर व्हेन शी वॉज फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द ज्योग्राफी टेस्ट. और इसके बाद जब वो ज्योग्राफी सेक्टर में उसका परफॉर्मेंस पिछड़ता गया तो वो और ज़्यादा स्कूल को नापसंद करने लगी. शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज शी इमेजिनड ऑल द किड्स फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. और उसको लगा कि पुराने स्कूल कितने अच्छे थे कि सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होके आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे. शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होमवर्क टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. उसने सोचा कि कितना मजा आता होगा, सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे और स्कूल की छुट्टी होने के बाद सब एक साथ मस्ती करते हुए घर जाते थे. दे वुड लर्न द सेम थिंग्स एंड दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. अब चूंकि वो एक साथ एक जैसी चीज़ें सीखते थे इसलिए एक दूसरे को होमवर्क में मदद भी कर सकते थे. ऑल्सो द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स दैट वुड मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव. और सबसे बड़ी चीज़ कि मनुष्य टीचर होते थे तो वो लर्निंग को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाते थे. ऑल दिस एक्सपेक्ट मेट हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. इन सब बातों से उसको लगा कि पहले के स्कूलों में ज़्यादा मज़ा था. अब ये एक और क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टूडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आपको क्या लगता है कि मार्गी जैसा सोचती थी कि अभी के स्कूलों में ज़्यादा मज़ा है बजाय उसके स्कूल में, तो क्या ये सही है? आप इससे सहमत थे? आप अपना कारण बताइए. यस, आई स्ट्रांगली एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टूडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी. जो स्टोरी में स्कूल बताए गए हैं उनसे ज़्यादा फन तो वास्तव में अभी है. इन द स्टोरी टीचिंग इज डन मैकेनिकली इनसाइड अ लर्नर्स आउट इट सेल्फ. क्योंकि स्टोरी में ये बताया है कि स्कूल कहाँ है, सीखने वाले के या बच्चे के खुद के घर में. स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ क्लासमेट्स सीम्स टू बी ए बोरिंग आइडिया. अब आपके साथ में कोई क्लासमेट्स नहीं बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आंसर अकेले में दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बोरिंग लगता है. राइटिंग होमवर्क इन पंच कोड एंड दैट टू विदाउट एनी बॉडीज हेल्प वुड बी रियली एग्जॉस्टिंग. अब आपको होमवर्क भी देना है, वो भी पंच कोड में देना है, और उसके साथ ही बगैर किसी की हेल्प के देना है, तो ये भी एक अपने आप में थका देने वाला है. अ मैकेनिकल टीचर हैज़ नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स. अब जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उनके वो कोई भावुक नहीं होते, कोई भावनाएं नहीं होती. इट डजंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट, रेदर इट टीचेस हिम और हिज अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मोड. अब जिस मोड पे एडजस्ट कर दिया, जिस एज ग्रुप के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, बस वो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं. उसके बच्चे की साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को वो कुछ भी नहीं समझते हैं. बट इन टूडेज स्कूल, लेकिन आज के जो स्कूल है जो अभी वर्तमान में है, देर आर टीचर्स हु आर द रियल ह्यूमन बींग्स. दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड अकोमोडेटिंग देन मैकेनिकल वंस. तो आज के जो टीचर हैं वो ज़्यादा समझदार हैं और बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. दे वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के पूरे विकास के लिए मदद करते हैं. मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड ऑफ दियर सराउंडिंग्स व्हेन अकॉम्पैनीड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दियर एज. तो जब बच्चे अपने साथ के बच्चों के साथ सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ टूडेज स्कूल इज दैट इफ एन स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन होमवर्क देन ही और शी कैन डिस्कस इट विद द टीचर एंड अदर किड्स ऑफ द क्लास. तो यदि अगर बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो वो अपने क्लास के बच्चों से या टीचर से पूछ सकता है. इन टूडेज स्कूल किड्स लर्न वेरियस क्वालिटीज लाइक शेयरिंग, रिस्पेक्ट. अब ये जो नैतिक मूल्य हैं वो भी बच्चा सीखता है, रिस्पेक्ट करना, ओबीडियंस, काइंडनेस एट्सेट्रा. दे आर इंकरेज टू टेक पार्ट इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. और जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है आज के स्कूलों में, तो वो वहाँ पर खेलकूद भी सीखता है जो उसकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. दस ऑल दिस फैक्टर्स प्रूव दैट स्कूल्स टूडेज
आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी के स्कूलों में ज़्यादा मज़ा है बजाय उसके जो स्टोरी में दिया गया स्कूल है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ये है फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब ये जो वर्ड दिए हैं आपको, आफुली, सारोफुली, कम्प्लीटली, लॉफ्टिली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली और नॉनशैलेंटली, तो ये जो वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स आप ने किस सेंटेंस में देखे हैं, तो आपको ध्यान आ जाएगा। आप इसमें मैंने लिख दिया है, लेकिन वैसे आप खुद ढूंढ सकते हैं, आपके पास बुक है, आप उसमें से देखिए कि आफुली कहाँ दिया हुआ था। जब उन्होंने कहा कि जब वो पेजेस देखे उन्होंने येलो और क्रिंकी, है ना, तो वो वर्ड्स कैसे थे, वो पेजेस कैसे थे, आफुली फनी, ठीक है। फिर सौरोफुली, सौरोफुली कहाँ वर्ड आया था, जब मार्गी की मदर ने उनको, मार्गी को बुलाया था और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा था। कम्प्लीटली वर्ड कहाँ आया था, कम्प्लीटली कब आया था, कि वो हिस्ट्री सेक्टर जब उसका टॉमी का क्या हो गया था, ब्लैंक्ड आउट हो गया था कम्प्लीटली, पूरी तरह से। लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मतलब गर्व से, तो ये कब कहा था, किसने कहा था, ये वर्ड किसने कहा था, टॉमी ने कहा था, तो ये सेंटेंस भी आपको बुक में मिल जाएगा। डिफरेंटली यानी अलग तरह से, तो ये भी, ये किसने कहा था, ये मार्गी ने कहा था कि नहीं, मेरी मदर तो कहती है कि नहीं, बिल्कुल हर किड्स के हिसाब से जो है उसको, और हर किड्स को डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए और उसकी माइंड के हिसाब से सेट होना चाहिए टीचर को, तो ये वर्ड भी आपको सेंटेंस में मिल जाएगा। आप सभी बच्चे अपनी बुक में ढूंढेंगे इन वर्ड्स को। एक और वर्ड था क्विकली, क्विकली मतलब तेज़ी से, जो जवाब दिया था किसने किया था, जब उसने कहा था कि तुमको अगर बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो, तो बड़ी तेज़ी से मार्गी ने जवाब दिया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, तो ये वाला भी सेंटेंस आपको मिल जाएगा। नॉन शैलेंटली मै बी ही सेड नॉन शैलेंटली, ये भी कहाँ कहा था, टॉमी ने कहा था ये, तो ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यूज दिस एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। अब द रिपोर्ट, अब ये जो ऊपर आपने जो वर्ड्स देखे थे, सबसे पहले आपको ये वर्ड्स ढूंढना था कि आपने इन वर्ड्स को किन सेंटेंस में पढ़ा है, तो आप उन सेंटेंस को लिखिए, तो आपने वो सेंटेंस लिखे। अब ये जो वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स से आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, तो ये क्या आएगा कि रिपोर्ट कैसे पढ़नी चाहिए, आंसर आएगा इसका केयरफुली। सेकेंड है, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस श्रगिंग हिज सोल्जर, तो क्या आएगा, कैसे, गर्व से, लॉफ्टिली। वी आल बिहेव व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, तो जब हम भूखे होते हैं या थके हुए होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंटली, अलग तरह से बिहेव करते हैं जरा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, द टीचर शुक हर हैट, ये शुखर हैट तो उसमें भी आया था मार्गी के लिए, तो वहाँ पर भी सौरोफुली ही यूज़ किया था। व्हेन रवि लाइट टू हर, सौरोफुली यानी दुखद रूप से। फिर है आई फॉरगॉट अबाउट इट, मैं भूल गया था, तो क्या आएगा, कम्प्लीटली, मैं पूरी तरह से इसे भूल गया। फिर नेक्स्ट है, व्हेन आई अकम्प्लिश्ड पार्वती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड एंड टर्नड अवे, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा कि वो घूम गई, जब भाई सक्सेस के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया तो भी उसने क्या किया, नॉन शैलेंटली यानी उदासीनता से। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, तो क्या जाएगा कि कैसे बिजी हैं, बहुत अधिक बिजी हैं, बहुत अधिक के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, आफुली। आई फिनिश्ड माई वर्क सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, है ना, जब खेलने के लिए जाना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्क को कैसे करते हैं, जल्दी से कर लेते, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर, क्विकली, कि मैंने अपना काम जल्दी से पूरा किया ताकि मैं खेलने चला जाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और आपको उनके एडवर्ब बनाना है। मैंने इसके सामने ही इनके आंसर्स लिख दिए हैं, जैसे एंग्री का क्या होगा, एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली, मैरी का मैरीली, स्लीपी का स्लीपीली, ईजी का ईजीली, नॉइजी नॉइजीली, टाइडी का टाइडीली, ग्लूमी का ग्लूमी, ठीक है, तो
ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें आपको अपनी मर्जी से भरना है आगे का, आप जो चाहे वो भर सकते हैं ताकि ये इसका कुछ अर्थ मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट, यदि मैं आज अनु की पार्टी में नहीं जाता हूँ तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, आप मन से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है शी विल बी एंग्री, तो क्या होगा, वो नाराज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, यदि आप होटल में ऑर्डर नहीं करेंगे फूड के लिए तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ऑर्डर नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यू विल मिस योर इवनिंग मील, आप अपना शाम का खाना मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, अब यदि तुम फिर से लिखने का प्रॉमिस नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर तुम प्रॉमिस नहीं करोगे कि तुम लिखोगे तो क्या होगा भाई, हम क्या बोलेंगे, मैं भी नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट टू यू। इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, यदि वो कोई गेम नहीं खेलती है तो क्या होगा, शी विल बिकम लेजी एंड अनफिट, है ना, तो क्या होगा, गेम नहीं खेलेगी तो क्या होगी, अनफिट हो जाएगी, हेल्दी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द केट, तो क्या होगा, यदि वो बर्ड जल्दी से नहीं उड़ती है तो केट क्या कर लेगी, द केट विल पाउंस ऑन इट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आप अपनी मर्जी से, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो इस तरीके से ये लेसन फर्स्ट की फर्स्ट जो था उसका आपने वीडियो समझ लिया था, लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर वोकैबुलरी सब कंप्लीट हो गया। अब आपको यदि कोई दिक्कत आती है इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।